वॉलपेपर के बगे। अगर होता है तो आगे कुछ डिस्काउंट वगैरह भी देखा जाएगा क्या? अगर होता है, अगर यहाँ आते हो मेरे ब्लॉग के थ्रू आते हो तो कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट होगा ही। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, और आज हम लोग आए हुए हैं फूड विला, जो कि मिर्जान हाट में रेस्टोरेंट है, भागलपुर मिर्जान हाट में है, जो कि बहुत सही रेस्टोरेंट है। और आज यहाँ पर हम लोग कुछ ट्राई करेंगे, और अभी यहाँ के जो ओनर हैं पीयूष भैया, उनसे हमारी थोड़ी बात हुई, तो उनको बुलाते हैं चैनल पे और उनसे थोड़ी बातें करते हैं। इनका नाम पीयूष है और इनका नाम रोशन है। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये रेस्टोरेंट का आपको आइडिया आया कहाँ से, और इतना तगड़ा यहाँ पे डेकोरेट किया है, इसके पीछे का क्या राज है कुछ हमें? दरअसल जो ये रेस्टोरेंट का आइडिया है, ये हमारे पापा से आया है। उनका एक सपना था कि ये मतलब जैसे कि हम लोग का मतलब जो एक ढाबा टाइप का, तो जब उन्होंने ढाबा के बारे में सोचा तो हम लोग मतलब यूथ हैं, मतलब हम लोग जो सोचें तो एक रेस्टोरेंट के थीम में आया है, तो बस उन्हीं चीज़ को इम्प्लीमेंट करके एक रेस्टोरेंट का नाम देके बस रेस्टोरेंट को हम लोग ने बस जो भी माहौल है या फिर जो सभी आप इंटीरियर देख रहे हैं वो सब अपना क्रिएटिविटी है, बाकी सारा चीज़ हम ही दोनों मिलके कर रहे हैं। तो भैया यहाँ का स्पेशलिटी क्या है, यहाँ कुछ खास टेस्ट करने के लिए? यहाँ पे जो ज़्यादा बिकते हैं या फिर जो बेस्ट सेलिंग में आता है वो है मतलब जैसे कि मटन चिकन तो हमारा फेमस है सबसे ज़्यादा, और बाकी में जैसे कि पनीर चिली हो गया, फिर पनीर कढ़ाई, पनीर हांडी और बिरयानी ले सकते हैं, चिकन बिरयानी बहुत फेमस है। चिकन बिरयानी। मेरा एक क्वेश्चन है ये, मतलब कि नाम कहाँ से आपको सुझाव आया कि फूड विला नाम रखें? बाहर भी जैसे कोलकाता में रहते थे, कोलकाता में जैसे 4 साल मैंने बाहर रहा है, और फिर यहाँ के वहाँ मैंने कुछ सीखा, वहाँ देखा, फिर यहाँ के कुछ इम्प्लीमेंट देगा, तो फिर जो हमारा भागलपुर में जो नाम एक होना चाहिए ना जिस टाइप से, तो वो दिमाग लगा के उसको मतलब हम लोग ने नाम और जो जितनी क्रिएटिविटी है जो भी है वो भागलपुर के ही तौर पे किए हैं, बाहर से कुछ नहीं। बर्थडे को यहाँ पे आके सेलिब्रेट हाँ, करता है हाँ, तो उसकी प्राइसिंग एक बता दीजिए आप, लगभग में कितना उसको खर्चा लगेगा? मतलब यहाँ के लिए ज़्यादा प्राइसिंग कुछ भी नहीं है, आप मेनू से लेके पूरे मार्केट में आप कंपेयर कर लोगे या पूरे मार्केट के रेस्टोरेंट से कंपेयर कर लोगे, जो यहाँ पे जो बेस्ट क्वालिटी मैं सर्व कर रहा हूँ सब कुछ, मतलब आप एक बार आके खुद से एक बार बात करो ओनर से, और एक बार जो मतलब बेस्ट जो सिचुएशन होता है वो मैं बेच दूंगा। प्राइसिंग के बारे में लेके पूरा खाने से लेके चीज़ों से लेके जो बेस्ट चीज़ें होते हैं वो आपको मतलब प्रोवाइड कर सकेंगे। चलिए, नाइस टू मीट यू एंड थैंक यू टू बी ऑन माय चैनल। यहाँ पे अभी एक और बर्थडे हो रहा है, और वो जो रेड टी शर्ट में आपको दिख रहा है उनका बर्थडे है, तो अभी केक कटे हुआ देखते हैं, चलो।
गाइस हम लोग का ये तंदूरी रोटी आ गया है और इधर है पनीर चिल्ली। तो ये आपको पड़ेगा 25 रुपए का बटर नान और ये जो पूरा भरा हुआ है क्वांटिटी देखो गाइस, क्वांटिटी देखो, इसमें 10 पीस है और ये पनीर चिल्ली आपको पड़ेगा 100 रुपए में पूरे 10 के 10। तो हम लोग इसे ट्राई करते फटक से और आपको बताते हैं टेस्ट कैसा है। सो ये बर्थडे था, यहाँ पे बर्थडे था तो केक भी आ गया और केक पहले केक ही एंजॉय करते हैं। एक नंबर। बिल्कुल परफेक्ट फ्लेवर है जैसा मतलब होना चाहिए, बहुत सही है। और ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट है मतलब क्या ही कहना। पनीर का साइज देखिए आप, बहुत सही है। सो द फूड इज़ ओवर, फूड इज़ नॉट ओवर, ये बच गया यार और थोड़ा इधर भी बच गया, मतलब इतना ज़्यादा क्वांटिटी था ना, हम दोनों मिलके भी ख़त्म नहीं कर पाए। सो ऐसा करते हैं इसे हम लोग पैक करवा देते हैं और पैक करवाना, यहाँ पैक करवाने की फैसिलिटी भी है, अगर आपके पास कुछ अगर फूड बच जा रहा है तो उसे आप पैक करवा दो, क्योंकि ये हम लोग जूठा नहीं किए थे, इसे हम चम्मच से लेके खा रहे थे तो जूठा तो किए नहीं थे, इसलिए पैक करवा लेते हैं। सो अभी हम लोग, हम और सुमित जाने वाले हैं और ये लोग अभी यहाँ पे फुल पार्टी इंजॉय करने वाले हैं। तो वीडियो को करना है लाइक, अरे जोश दिखाइए ना महाराज, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना एकदम बढ़िया से, ठीक है। और साथ में यहाँ पे एक अपने यूट्यूबर भाई मिल गए, थोड़ा सा पास लाते हैं, इनका भी एक चैनल है, व्लॉग चैनल है और साथ में इनके साथ कोलैब करने वाले हैं और जाते जाते एक बार मिल लेते हैं रोशन भैया से और बाकी सब लोग से। बहुत ही मस्त फूड था, मतलब क्या ही कहना, क्वांटिटी इतना था कि भर गया एकदम पेट भर गया। हाँ ये बच भी गया, देखिए यहाँ पे पैक भी हो गया है, अब इसको ले जाएंगे। तो आप लोग आओ यहाँ पे, आते हो एंजॉय करो और अगर होता है तो आगे कुछ डिस्काउंट वगैरह भी देखा जाएगा क्या, अगर होता है, अगर यहाँ आते हो मेरे ब्लॉग के थ्रू आते तो कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट होगा ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सायोनारा।